पंचायत नामांकन वापसी के बाद अब जिला परिषद के 35 वार्डों के लिए 137 प्रत्याशी शेष रहे हैं। इससे पहले बुधवार को 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। वहीं वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रही मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मां परमेश्वरी देवी के सामने नामांकन दाखिल करने वाले सरपंच फोरम के पूर्व अध्यक्ष सजन पुनिया ने भी परमेश्वरी देवी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। चिड़ावा और मंडावा के एक एक वार्ड में एक ही प्रत्याशी होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिले की 11 पंचायत समितियों की तो कुल 229 वार्डों के लिए 912 उम्मीदवार नामांकन वापसी के बाद शेष रहे। चिड़ावा और मंडावा में एक एक वार्ड में निर्विरोध प्रत्याशी का निर्वाचन होना तय है, उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। मंडावा का प्रत्याशी कांग्रेस का है, जबकि चिड़ावा के वार्ड नंबर 12 में भाजपा नेता बबलू चौधरी की पत्नी मधुर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, जहां पर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों समेत सभी उम्मीदवारों ने मधु के सामने से अपना नामांकन वापस ले लिए। वहीं अब झुंझुनू पंचायत समिति के 21 वार्डों में 66, सूरजगढ़ के 17 वार्डों में 61, नवलगढ़ के 27 वार्डों में 90, उदयपुर वाटी के 27 वार्डों में 120, बुहाना के 17 वार्डों में 80, खेतड़ी के 29 वार्डों में 139, मंडावा के 15 वार्डों में 47, अलसीसर के 19 वार्डों में 51, सिंघाना के 17 वार्डों में 77, पिलानी के 19 वार्डों में 96 तथा चिड़ावा के 21 वार्डों में 85 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस से फॉर्म भरा था। हमारी विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था कि आप फॉर्म भरो, मैंने फॉर्म भर दिया, फिर इन्होंने अपना फैसला बदल लिया और टिकट माता जी को दे दी, इसलिए मैं उनके समर्थन में और मेरा फॉर्म वापस देता हूँ। नामांकन जांच के बारे में पूरे ज़िले में जिला परिषद झुंझुनू में 137 उम्मीदवार 35 वार्डों के लिए चुनाव लड़ेंगे और इसी तरह पंचायत समिति क्षेत्रों के 214 क्षेत्रों में 912 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और सभी जगह हर बूथ के ऊपर एक जिला परिषद सदस्य का एक पंचायत समिति सदस्य का ईवीएम रखी जाएगी, अर्थात कहीं भी दो की जरूरत नहीं है। किसी भी जिला परिषद और किसी भी पंचायत समिति में दो ईवीएम्स की जरूरत नहीं है, सभी जगह एक की जरूरत है। चुनाव विड्रॉल और होने के बाद में और सिंबल अलॉटमेंट के बाद में दो जगह इस तरह की आई है जहां पर कि एक एक कैंडिडेट ही बचा है। एक मंडावा पंचायत समिति क्षेत्र है जिस वार्ड नंबर 7 और एक चिड़ावा का वार्ड नंबर 12 है, इसमें केवल एक ही कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। तो बाकायदा उनको फाइनल नॉमिनेट करने और फाइनल उनका चुनाव डिक्लेयर करने की कार्रवाई जारी है। विधानसभा चुनाव की मतगणना की तर्ज पर ही इस बार पंचायत राज चुनाव की मतगणना होगी। जिला परिषद के साथ साथ सभी पंचायत समिति सदस्यों पद के लिए भी मतगणना जिला मुख्यालय पर होगी। वहीं विचार किया जा रहा है कि ये मतगणना एक साथ सुबह से शुरू की जाए या फिर दो चरणों में हो, इसके लिए अभी प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हो रही है। संभावना है कि पहले सभी पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना हो और इसके बाद दोपहर बाद से जिला परिषद सदस्यों के लिए। दरअसल कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, इसलिए भीड़ ज्यादा न हो इसके लिए विचार प्रशासनिक स्तर पर चल रहा है। अंतिम मोहर लगनी अभी शेष है। जिले में अब सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू के यहाँ में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहीं सारे जिले की ईवीएम्स रखी गई हैं। सारे जिले की ईवीएम्स की तैयारी यहीं पर होंगी और पोलिंग पार्टीज की रवानगी यहीं से होंगी और काउंटिंग भी यहीं होंगी, यहीं पर मशीनें जमा होंगी ताकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप रहे और ये भी रहे कि पूरी तरह कंट्रोल रहे, छोटी बड़ी जो भी किसी तरह की समस्या है तो उसका समाधान हो जाए। पूरी तरह से प्रशासन को चाक चौबंद कर लिया गया है काउंटिंग तक के लिए और पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के किसी भी वार्ड में इतने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है जहां पर दो ईवीएम का उपयोग करना पड़े, इसलिए अब तय है कि हर बूथ में एक ईवीएम जिला परिषद सदस्य और एक ईवीएम पंचायत समिति सदस्य पद के लिए वोट देने के लिए होगी।